क्या आपने कभी लायन और टाइगर के क्रॉस ब्रीड को देखा है? क्या आपने ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो ज़ीब्रा और डोंकी का मिक्सचर है? या फिर क्या आपने कभी लायन और लेपर्ड दोनों के रंग रूप वाले जानवर को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही इससे पहले कभी सुना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे हाइब्रिड जानवर है जिनके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। लेकिन ये इतने कमाल के हैं कि इनको एक बार देखना तो जरूर बनता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले हाइब्रिड जानवर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, स्फिंक्स कैट। अगर आपने कभी फेमस सीरीज फ्रेंड्स को देखा होगा तो आप इस बिना बालों वाली बिल्ली को आसानी से पहचान लेंगे। इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट या फिर कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस प्रजाति का सबसे पहला किटन टोरंटो के एक घर में नेचुरली पैदा हुआ था, जिसका नाम प्रून था। इसके बाद इसका मेट उसी की माँ से कराया गया, जिससे कुछ और बिना बालों वाली बिल्लियाँ पैदा हुई, और उसी की बदौलत आज इस हाइब्रिड बिल्ली की संख्या ठीक ठाक है। अमेरिका और रशिया में पाई जाने वाली इस बिल्ली को लोग घरों में पालना काफी पसंद करते हैं। इन बिल्लियों के शरीर पर बाल न होने के बाद भी ये आसानी से ठंडी जगहों पर रह सकती है। इन बिल्लियों की एक और खास बात ये है कि ये दिखने में तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती और काफी गुस्से वाली लगती है, लेकिन असल में ये बिल्लियाँ काफी शांत और फ्रेंडली होती है। नंबर 9, लाइगर। जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिक्स है। इसको मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। लाइगर का शरीर फीमेल लायन की तरह होता है और इसके ऊपर टाइगर की तरह हल्की हल्की धारियां दिखाई देती है। इनका वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लायन से ज्यादा होती है। जहाँ इनका वजन करीब 400 किलो तक होता है, वहीं इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये पूरी कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर है। साइज में ज्यादा बड़े होने की वजह से इनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। ये एक दिन में 50 किलो से भी ज्यादा खाना खा सकते हैं। अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरक्यूलिस है, जिसका वजन 420 किलो है, मतलब 2 लायन से भी ज्यादा, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 8, टाइगन। इस हाइब्रिड जानवर को मेल टाइगर और फीमेल लायन का क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। टाइगन में अपने माता पिता दोनों के गुण साफ दिखाई देते हैं। इनके गर्दन के पास लायन की तरह घने बाल होते हैं और टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, लेकिन ये ब्लैक स्ट्राइप्स सभी टाइगर्स में देखने को नहीं मिलती। बात करें इस हाइब्रिड जानवर के साइज की, तो ये साइज में लगभग अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है, पर इनका वजन लायन के बराबर करीब 170 किलो तक का हो सकता है। इस जानवर को आप आसानी से किसी जंगल में नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग कराना कानूनन अपराध है, जिसकी वजह से ये जंगलों में ना रहकर जू में रहते हैं, ताकि जितने भी टाइगर मौजूद है उनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। लेकिन जो भी हो, ये जानवर दिखने में कमाल का लगता है। अगर आप भी हमारी बात से अग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कमाल के जानवर आगे भी है। नंबर 7, डोंकी। ये जानवर मेल ज़ीब्रा और फीमेल डोंकी को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। इस हाइब्रिड जानवर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने माता पिता जैसा ही दिखता है। जहाँ इसका साइज और अपीयरेंस डोंकी जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके शरीर पर ज़ीब्रा जैसी लाइंस भी है। ये जानवर काफी रेयर है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलता है और जू में टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ गधा सालों से पालतू होने की वजह से शांत होता है, वही ज़ीब्रा जंगली होने की वजह से काफी आक्रामक होता है, और डोंकी को अपने ज़ीब्रा पिता से आक्रामक होने का गुण मिला है। ये इंसानों पर ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों पर भी अपना गुस्सा निकालते हैं, और वही डोंकी मामा के गुण की वजह से ये भारी सामान को भी अपने ऊपर आसानी से ढो सकते हैं। नंबर 6, जैग लायन। फीमेल लायन और मेल जैगवार मेट से हाइब्रिड प्रजाति के जैग लायन का जन्म हुआ है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है, जिसकी शुरुआत द बेयर क्रीक सेंचुरी ओंटारियो से होती है। यहाँ एक फीमेल लायन और एक मेल जैगवार को लाया गया था। लायन का नाम लोला था और जैगवार का नाम डियाब्लो था। ये दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। जब सेंचुरी के लोगों ने बड़े होने पर लोला और डियाब्लो को अलग कर दिया, तो दोनों काफी अपसेट रहने लगे। लोला ने तो खाना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद सेंचुरी के लोगों ने दोनों को वापस साथ रखने का फैसला किया, और कुछ समय बाद
लोला ने दो जैग लायंस को जन्म दिया जिसका नाम जहजारा और सुनामी रखा गया। जहजारा देखने में अपने जैगुआर पिता की तरह लगता है, वही सुनामी का रंग अपनी लायन माँ के ऊपर गया है, लेकिन दोनों का साइज लगभग लायन जितना ही बड़ा है। नंबर 5, ग्रोला बेयर। ये ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर का हाइब्रिड है जिनको पिजली बेयर भी कहा जाता है। ये बेयर भी जैग लायन की तरह ही प्राकृतिक तरीके से बना है, यानी कि ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर के मेट के बाद। ये बेयर देखने में पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा क्यूट लगता है। जहाँ ग्रिजली बेयर का रंग डार्क ब्राउन होता है और पोलर बेयर का रंग सफेद होता है, तो वही इस हाइब्रिड बेयर का रंग लाइट क्रीम होता है और ये इन दोनों बेयर से ज्यादा फ्लफी होता है। लेकिन सभी ग्रोला बेयर एक जैसे नहीं होते, कुछ के ऊपर ब्राउन धब्बे भी होते हैं। बात करें इनके साइज की तो ये पोलर बेयर से कुछ इंचेस ही बड़े होते हैं। पहली बार किसी ग्रोला बेयर का पता 2006 में चला था, जब पहली बार इनको कनाडा के जंगल में देखा गया। इन बेयर्स की संख्या और भी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। नंबर 4, डॉल्फिन। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इसको फीमेल कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन और मेल फॉल्स किलर व्हेल को हाइब्रिड करके बनाया गया है। ये जीव देखने में काफी शानदार लगता है। इसको साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के दौरान बनाया था जो कि सफल रहा। ये डॉल्फिन दिखने में डॉल्फिन जैसी लगती है, बस इनके ऊपर शार्क की तरह फिन होता है और उनके दांत काफी अलग होते हैं, जो देखने में काफी खतरनाक लगते हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, ये अपने दांतों को किसी को काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। डॉल्फिन का स्वभाव डॉल्फिन की तरह होता है, जिसकी वजह से ये काफी फ्रेंडली होती है। इनका रंग डार्क ग्रे होता है, जो कि शार्क के ब्लैक कलर और डॉल्फिन के लाइट ग्रे कलर से मिलकर बना है। इस वक्त सिर्फ दो ही डॉल्फिन पूरी दुनिया में मौजूद है, जिनका नाम केकाई मालू और उसकी बेटी कवाइली काय है, जो कि हवाई के सी लेक पार्क में रहती है। नंबर 3, हाइनी। मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीड के बाद हाइनी को बनाया गया है। इसको देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड है। जहाँ इसकी बॉडी घोड़े की तरह दिखती है, वही इसका फेस डोंकी की तरह साफ नजर आता है। अगर इस जानवर को डोंकी से कंपेयर किया जाए तो ये उनके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहाँ मामूली डोंकी का साइज छोटा होता है, वही ये साइज में बड़े होते हैं। इनके पैर भी नॉर्मल डोंकी से बड़े और मजबूत होते हैं, साथ ही इनका शरीर भी भारी होता है, जिससे ये ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं, जो किसी हाइब्रिड जानवर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी इन सभी क्वालिटीज की वजह से ये हाइब्रिड किया गया डोंकी डोंकी फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। नंबर 2, सवाना कैट। इस बिल्ली को काफी लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये बिल्ली हाइब्रिड करके बनाई गई है। इसको सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट और पालतू बिल्ली का क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। जिन लोगों को बिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उनको पता होगा कि बिल्ली काफी आलसी होती है, लेकिन ये हाइब्रिड कैट बाकी बिल्लियों के मुकाबले काफी शैतान, चुलबुली और प्लेफुल होती है। ये गुण इस बिल्ली को सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट से मिले हैं। लेकिन ये वाइल्ड कैट की तरह आक्रामक नहीं होती, बल्कि काफी शांत होती है। इसकी वजह से लोग इसको घर में पालना काफी पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इस बिल्ली को इसके कलर कोड की वजह से भी पालते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन ये बिल्ली अपने खाने को लेकर काफी ज्यादा पोसेसिव होती है। अगर इनका मालिक भी इनके खाने को हाथ लगाता है, तो ये उस पर भी हमला कर सकती है। नंबर 1, लेपर्ड। मेल लेपर्ड और फीमेल लायन का क्रॉस ब्रीड करने के बाद आधा लायन और आधा लेपर्ड जैसा जानवर बना, जिसको लेपर्ड नाम दिया गया। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने लेपर्ड और लायन को फोटोशॉप करके एक नई तरह का जानवर बना दिया हो। लेपर्ड के सिर वाला भाग लायन की तरह लगता है और बाकी पूरी बॉडी लेपर्ड की तरह लगती है। इनकी बॉडी पर लेपर्ड प्रिंट भी होता है, जो कि साफ देखा जा सकता है। इनकी बॉडी लायन की तरह होती है और इनके पैर लेपर्ड की तरह छोटे होते हैं। ये लेपर्ड की तरह आराम से क्लाइम कर सकते हैं और इन्हीं की तरह पानी में मजे भी लेते हैं। कई बार लेपर्ड और लायन के हाइब्रिड को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद जापान में एक हाइब्रिड बनाया गया जो 20 साल से भी ज्यादा जीवित रहा, जो कि किसी लेपर्ड और लायन के जीवन से ज्यादा था।